जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके आज के लेक्चर की जानी बढ़ते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था खान बनाकर, ऐसे ही था। एक्सटेंशन के प्रॉब्लम्स थे, हॉर्न बनाक थ्योरम था, और उसका हम ए पार्ट कर रहे थे। जो कल हमने डिस्कशन की थी वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन थी वो थी एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन किसे कहते हैं? तो हमने कहा कि एफ अगर ऑपरेटर है जी सबसेट ऑफ एक्स, यहाँ सबसेट की नोटेशन नहीं है, कहाँ से कहाँ तक आर तक हमने लिया था, और हमने कहा था देन देयर एग्जिस्ट्स, ये हमने प्रूव करना था, एक्सटेंशन एफ हैट उसको कहा था, नाम रखा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो भी नाम रखा हुआ है एफ प्राइम रख लें, वो कहाँ से कहाँ तक होगी आर तक, सच दैट। एक्सटेंशन का फॉर्मूला आपको पता है कि एफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू एफ प्राइम एंड ये एक्सटेंशन का फॉर्मूला था, एफ प्राइम ऑफ एक्स। छोटी डोमेन पे दोनों के आंसर सेम रहे, लेकिन जो ही is equal to f of x for all x belonging to domain छोटी डोमेन पे दोनों के आंसर सेम रहे और बड़ी डोमेन पे वो f प्राइम डिफाइंड हो, एक्सटेंशन डिफाइंड हो, लेकिन असल ऑपरेटर चाहे डिफाइंड हो चाहे ना हो उससे हमें कंसर्न नहीं था। तो ये थी एक्सटेंशन की डेफिनेशन। कल हमने यही बात की थी कि हॉर्न बनाक थ्योरम जो इंश्योर करता है हर लीनियर फंक्शनल की क्या इंश्योर करता है, एक्सटेंशन की एग्जिस्टेंस शो करता है। तो हम इसको इसकी स्टेटमेंट को दोबारा से आज लिखेंगे, जो जो गिवन चीजें हमारे पास थी वो थी एक्स एक रियल वेक्टर स्पेस था, एक्स एक रियल वेक्टर स्पेस था और पी जो था वो सब फंक्शनल और एक्स
और क्या था हमारे पास? एफ ए और लीनियर फंक्शनल डी, जो कि सबस्पेस किसकी थी? सबस्पेस ओ एक्स, यानी कि जो एफ था वो जी से आर में था। देन टू प्रूव, प्रूव क्या क्या करना था? There exists an extension F F prime of F टू, कहां से कहां एक्सटेंड करना है डोमेन को? z टू x, ये हमने जो है ना प्रूव करवाना। एंड और क्या प्रूव करवाना था? f प्राइम इज लेस देन और इक्वल टू p ऑफ x, f प्राइम ऑफ x, यानी कि वो इस प्रॉपर्टी को भी ओके कर रहा होगा जो एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर ऑल द एलिमेंट्स डोमेन ऑफ एफ प्राइम। तो ये काम हम कर रहे थे, इसका ए पार्ट ऑलमोस्ट हम कर चुके थे। ए पार्ट को अलग से दोबारा से देख लेते हैं, ए पार्ट में क्या क्या डिस्कशंस हैं। जी बच्चे, ए पार्ट में हमने यहां तक प्रूफ की तरफ चलते हैं। सेट ई लिया था, सेट ऑफ ऑल एक्सटेंशंस सेट ऑफ ऑल एक्सटेंशन ऑफ एफ, हमने एक सेट लिया था और हमने कहा था क्लियरली ई इज नॉन इंटीजर। क्यों? क्योंकि एफ खुद अपने आप की एक्सटेंशन है एज एफ बिलोंगिंग टू सेट ई, एफ बिलोंगिंग टू सेट, एफ खुद भी अपने आप की एक्सटेंशन है। अच्छा, फिर वो कहता है ऑन ई वी कैन डिफाइन अ पार्शियल ऑर्डरिंग सेट ऑफ ऑल एक्सटेंशन। ना उसने क्या रख लिया हुआ है, जी ऑफ एफ सेटिस्फाइंग
is less than or equal to p of non-empty is because f is an element of D. तो पार्शियल ऑर्डरिंग उसने कैसे डिफाइन करवाई है? उसने कहा कि g is less than or equal to h, which shows that क्या शो हो रहा है यहाँ से? It shows that g h an extension of G. G भी एक ऑपरेटर है, H भी ऑपरेटर है, that is by definition डोमेन ऑफ एच. एच भी एक ऑपरेटर है, एक सुपरसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. और ये वही एक्सटेंशन की डेफिनेशन है. एच चूंकि एक्सटेंशन है, फार्मूला सेम रहेगा. कहां तक? छोटी डोमेन तक सेम रहेगा, बड़ी डोमेन पे एच का अपना फार्मूला हो जाएगा. तो देयरफॉर फॉर एनी चेन सी subset of E, we define G hat of X. G prime यहाँ पे hat तो नहीं है, चलिए prime of X define करवा लेते हैं. किस तरह से define करवाया? Is equal to G of, ठीक है, ये x belongs to domain of g. अगर आप इसको गौर से देखें तो ये भी g prime भी जो है वो भी बाजार एक्सटेंशन ही लग रही है. g prime और लीनियर क्योंकि इक्वल है ना उसके, जी के ही इक्वल है. जी प्राइम इज अ लीनियर फंक्शनल एंड डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी प्राइम इज इक्वल टू union of all the domains of G. G चूंकि chain में है, chain की सारों की जो domain लेंगे आप, वो domain equal आएगी domain of G prime, ठीक है? यहां तक कोई question है तो आप पूछ सकते. अभी तो सारी उसने कंसीडरेशन ही की है, अभी तक सारी कंसीडरेशन है. ये कोई भी क्वेश्चन है आप हैंड रेस करेंगे पूछ सकते हैं.
कहते हैं ये जो है ये वेक्टर स्पेस बन रहा है क्योंकि चेन है, सिंस सी इज अ चेन सो इट इज अ वेक्टर स्पेस। सो फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ जी जी वन इंटरसेक्शन, चलो इंटरसेक्शन का बटन यहाँ पे नहीं है, डोमेन ऑफ जी टू जी वन एक्स जी वन ऑफ एक्स इज इक्वल जी टू ऑफ एक्स। चेन आपको पता है टोटली ऑर्डर से सेट है, सो जी वन इज लेस देन और इक्वल टू एक्स और जी वन इज लेस देन और इक्वल टू, टोटली ऑर्डर्ड है तो आपको पता है भी कोई से दो एलिमेंट्स आपस में क्या है उसके कंपेयरेबल है, जी वन इज लेस देन और इक्वल टू जी टू और या क्या हो सकता है जी टू कंपेयरेबल होंगे किसी भी तरीके से, जी टू इज लेस देन और इक्वल टू जी, बोथ बोथ केसेस में क्या नजर आ रहा है ये एक दूसरे की फिर क्या बन रही हैं, एक्सटेंशंस बन रही हैं, जी वन जी टू की एक्सटेंशन बन रही है और जी टू या जी टू जी वन की एक्सटेंशन बन रही है, ऐसे ही हो रहा है ना। फिर वो कहता है क्लियरली जी इज लेस देन और इक्वल टू जी प्राइम, ये भी क्लियर तो यहां पे हम बात कर थे जी क्लियरली कहता है जी इज लेस देन और इक्वल टू जी प्राइम फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी। यहां से हमें नजर आ सकते हैं
belonging to C. और बाय जोन्स लेमा क्या था? जोन्स लेमा ही हैज अ मैक्सिमम एलिमेंट. जोन्स लेमा कह रहा है कि यहाँ पे लिख लेते हैं, which shows that G prime is an upper bound. तो हर चेन जो है वो अपर बॉन्ड रखती है. अगर हर चेन अपर बॉन्ड रखती है तो वो जो सेट है जिसकी हमने चेन्स बनाई हुई है वो क्या रखा करेगा? मैक्सिमल एलिमेंट बाय जोन्स लेमा. तो मैंने लिखा हुआ है सारा, इसको कर लेते हैं कॉपी. तो यहां से बेटा हमने इसका स्टार्ट लिया था कि हमने जो प्रूव करना है ना, हमने ये प्रूव करवाना है कि हमारे पास जो है एक एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है एफ प्राइम, उसका नाम रखा है. और हमने जो एक्सटेंशन एग्जिस्ट करवानी है जो कि इस प्रॉपर्टी को भी ओके कर रही हो, और उसके बाद हमने एक्सटेंशन एग्जिस्ट करवाने के लिए जो जो हमारे पास, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट E लिया एक्सटेंशंस का और हमने उसमें कहा कि ना ये नॉन एम्प्टी सेट है. नॉन एम्प्टी इसलिए है कि इसमें कम से कम वो खुद F की एक्सटेंशंस ले लें, और F को F गिवन है. F इज अ लीनियर फंक्शनल फ्रॉम Z टू R, और हमने उसी की एक्सटेंशन ढूंढनी विच शोज दैट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ H इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस वन. अच्छा, उसके बाद
यहाँ पे पेज एक्सटेंशन है, तो हमने कहा ये डोमेन ले लिया और इन दी एंड हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे। के देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमम एलिमेंट एफ प्राइम इन ई सच दैट F prime is less than or equal to P of X. Extension भी होगी और P of X भी हो गई, लेकिन अब हमने ये प्रूव करना है। नाउ एक्सटेंशन तो होगी, अब इसकी डोमेन क्या है ये हमें अभी भी नहीं पता है। Now we have to show that domain of f prime is exactly equal to x. तो तभी x पे बनेगी ना extension. From x to r बनेगी। अगर एग्जिस्टेंस तो शो करवा दिया हमने कि मैक्सिमल एलिमेंट मौजूद होगा, उसका नाम f प्राइम होगा और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स उससे लेस होंगे और वो खुद चूंकि p of x जो था वो उसकी अपर बाउंड था, p of f से लेस ही रहेंगे सारे एलिमेंट्स, f प्राइम ऑफ x समेत सारे एलिमेंट्स उससे लेस रहेंगे। तो f प्राइम बिलोंग्स टू e एंड e वाज द सेट ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशंस ऑफ f। नाउ वी हैव टू प्रूव सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरम, वी हैव टू शो दैट द डोमेन ऑफ f प्राइम इज एग्जैक्टली इक्वल टू x। सेकेंड पार्ट, यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। जी कोई भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल हो। इसकी स्टोरी फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। बुक से भी इसको हम देख सकते हैं, हमने इसके तीन ही पीसेस किए थे ना। चलें बुक से अगर हम देखें इसको, इसके तीन पार्ट्स हमने बनाए थे। ये पहला जो पार्ट था ये था गिवन, ये यहां से यहां तक जो था इसका गिवन पार्ट, और ये पार्ट जो इसका था ये हमें प्रूव करना था कैसा हो रहा है। ये देखिए ना, ये हमने प्रूव करना है। अब इसका ये वाला पार्ट प्रूव करना है कि ये जो एक्सटेंशन बन रही है इसकी डोमेन क्या है, इस एक्सटेंशन की f प्राइम सेटिस्फाई कर रहा है इस प्रॉपर्टी को, ये हम प्रूव कर चुके हैं। f प्राइम एग्जिस्ट करता है ये भी हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, लेकिन ये अप्रूव करना है 2x इज एन एक्सटेंशन फ्रॉम z टू x। तो b पार्ट की तरफ इसके चलते हैं।
जी बेटा बी पार्ट में जी ये इसको बुक से भी पढ़ लेते हैं ए पार्ट को कि हेंस जी हैट इज एन अपर बाउंड ऑफ सी और सिंस सी सबसेट ऑफ ई वाज आर्बिट्रेरी जोन्स लेमा दस इंप्लाइज दैट ई हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट एफ हैट बाय द डेफिनेशन ऑफ ई दिस इज अ लीनियर एक्सटेंशन ऑफ एफ विच सेटिस्फाइज एफ हैट इज लेस देन आर इक्वल टू। अच्छा सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं वी नाउ शो दैट डोमेन ऑफ एफ प्राइम इज ऑल ऑफ एक्स दिस इज द थिंग वी हैव टू प्रूव नाउ वी नाउ शो दैट क्या शो करवाना है हम लोगों ने कि जो डोमेन है एफ एफ प्राइम तो ढूंढ लिया है एग्जिस्ट भी करवा लिया है अब हमने शो ये करवाना है कि एफ प्राइम यूनिक है और एफ प्राइम की डोमेन जो है यूनिक मतलब वो वेल डिफाइंड है एफ प्राइम एक्सटेंशन तो बना दिया हमने अब हमने शो ये करवाना है कि एफ प्राइम वेल डिफाइंड है और वेल डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है एक्स टू आर तक ये हमने बेटा शो करवाना चलें इसकी डायग्राम भी बनाते हैं अगर इसको हम वहां पे रहते हुए देखें कि सिचुएशन अब क्या बन चुकी हुई है सिचुएशन अब हमारे पास ये है कि हमारे पास दो सेट्स हैं ये उसका फील्ड है ये उसके अंदर सब स्पेस पड़ा इसका नाम जी रखा हुआ था नाम भी रखते जाते हैं इसका नाम क्या है सो इसका नाम था एक्स इसका नाम था जी सब स्पेस ऑफ एक्स और इसका नाम था आर रियल वेक्टर स्पेस था तो इसका फील्ड क्या है आर और जो यहां से यहां मैपिंग करवा रहा था उसका नाम क्या रखा हुआ था ऐसे ही नाम रखा हुआ था एफ जो हमने शो करवाना करवाना है एफ प्राइम जो इस फॉर्मूले पे इस पे यही फॉर्मूला रहे ये देखिए मैं ऊपर से ही गुजार रहा हूँ दूसरे फॉर्मूला एफ प्राइम को भी जी तक रहते हुए सेम आंसर थे इसका नाम क्या रखा था ये एग्जिस्टेंस करवानी है ये हमने खुद से बनाया एफ एफ हैट कह लें इसको एफ प्राइम कह लें थ्योरम भी यही कह रहा है कि अगर एफ है आपके पास तो एफ हैट भी हुआ करेगा वो वेल डिफाइंड भी हुआ करेगा वो यूनिक भी हुआ करेगा और वो एग्जिस्ट भी किया करेगा शर्त क्या है शर्त ये है कि वो जो सब स्पेस पे डिफाइंड हो और रियल वेक्टर स्पेसेस पे डिफाइंड हो
और शर्त क्या है कि उससे पहले कोई फंक्शनल तो एग्जिस्ट कर रहा हो ना, उसी की एक्सटेंशन ढूंढेंगे। तो बात कर रहे थे हम एक्सटेंशंस की। एक सेट ये बना लिया हुआ था हमने, दूसरे सेट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, ओके। वो कोई और सेट एलिमेंट्स और है, ठीक है। उसके बाद हमने एक सेट इसमें बनाया जी, और सब स्पेस का नाम दिया था एक्स, ये जी है, ये इसका फील्ड है, और गौर से इसको देखते रहना है। ये हमने ऐसे डिफाइन करवाया था, फंक्शनल था। फंक्शनल क्यों था? क्योंकि ये सब स्पेस से आर में जा रहा था, इसका नाम एफ रखा हुआ था, जो कि लेस देन आर इक्वल टू था पी ऑफ एक्स के। पी ऑफ एक्स भी एक फंक्शनल लिया हुआ उसने। दूसरा हमने डिफाइन करवाना, जो प्रूव करना था वो था एफ प्राइम भी जो है ना, यहाँ पे एफ हैट कह रहे हैं, एफ प्राइम कह रहे हैं, यहाँ से भी यहाँ पे तो वही फार्मूला रहेगा उसका। एक तो हमने ये शो करवाना है कि देयर एग्जिस्ट एफ हैट लेस देन आर इक्वल टू पी ऑफ एक्स, एक ये शो करवाना था। एग्जिस्टेंस शो करवा चुके हैं हम, दूसरा ये शो करवाना था कि एफ हैट या इज इक्वल टू एफ, एफ के और एफ प्राइम के आंसर सेम रहते हैं। कहाँ तक सेम रहते हैं? जब जब एक्स बिलोंग एक्स इनपुट आप देते हैं कहाँ से, जी, जब एक्स आप जी से देते हैं, क्योंकि जी पे डिफाइंड है एफ, जी पे डिफाइंड है एफ प्राइम, तब तब आंसर सेम रहते हैं। और अदरवाइज एफ जो है वो लेस देन और इक्वल टू रहते हैं, एफ के सारे आंसर इससे लेस रहते हैं, क्योंकि एफ प्राइम मैक्सिमम मैक्सिमल एलिमेंट है ना उसका, पी का एफ हैट इज मैक्सिमल बाय जोन्स लेमा। ये हम यहां तक अब प्रूव कर चुके हैं। अब हमने जो प्रूव करना है वो यही है, अगेन वी नाउ शो दैट अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे इस पोर्शन का नाम बता देगा, x माइनस जी कौन सा पोर्शन होगा? x माइनस जी, ओके, कोई नहीं है जी शोएब, एक्स माइनस जी कौन सा पोर्शन होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, जो सिर्फ एक्स के एलिमेंट जी अगर निकाल दें एक्स में, सिर्फ एक्स वाले, सिर्फ एक्स वाले रह जाएंगे ऐसे ही जी सर,
जी निकाल दें अगर सर अब हमने, लेकिन हमने क्या प्रूव करना है के तमाम जो एक्स के हैं इसमें जी भी शामिल है इसमें। डोमेन ऑफ एफ प्राइम इज ऑल ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स। तो इसके दो चार तरीके हैं। एक मेथड निगेशन मेथड हमें पता है, वी अज्यूम कंट्रेरी। जी सर कंट्रेरी दैट डोमेन ऑफ एफ प्राइम इज नॉट इक्वल टू एक्स एक्स। हमने उसके उलट सपोज कर लिए। जी सर के इसमें जो है एफ प्राइम की डोमेन सारा का सारा एक्स नहीं है, तो क्या हो सकता है फिर? डोमेन ऑफ एफ फिर क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ प्राइम इज सबसेट ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स, यही है ना। और दोनों के बिटवीन एलिमेंट्स आ जाएंगे, देन वी चूज। हमने ऐसे ही उलट फर्ज कर लिए y1 फ्रॉम x माइनस डोमेन ऑफ f प्राइम। एफ प्राइम की डोमेन अगर उसमें से माइनस कर दें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अब आंसर आएगा ना, इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। डोमेन ऑफ एफ प्राइम और एक्स एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो कुछ ना कुछ उस उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा डोमेन ऑफ एफ प्राइम के। हाँ, अगर डोमेन ऑफ एफ प्राइम एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स होती तो ये कॉम्प्लीमेंट ही ले रहे हैं ना एक्चुअली, एक्स में से यूनिवर्सल सेट में से कुछ माइनस करें तो उसका कंप्लीमेंट ही लिया जा रहा है ना। तो ये हमने उसका ले लिया कंप्लीमेंट। एंड कंसीडर द सबस्पेस वाई वन, नाउ रखो ये कैपिटल and y, लेकिन एक बात यहाँ पे करना जरूरी थी, नोट दैट एंड कंसीडर द सबस्पेस y1 and by domain of F and y1, y1 एक एलिमेंट लिया हुआ है x माइनस डोमेन ऑफ F से, यानी कि वो x को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन डोमेन ऑफ F का एलिमेंट नहीं है। ऐसे ही लेते हैं ना माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा वो कह रहा है क्लियरली जीरो डज नॉट बिलोंग टू एक्स माइनस डोमेन ऑफ एफ प्राइम। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना ये, तो एफ प्राइम
का कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज जीरो तो कहां पे है, जीरो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ प्राइम। कौन बताएगा कि ये एफ प्राइम में, एफ प्राइम की डोमेन में क्यों है जीरो? कोई स्टूडेंट बताएगा? जीरो डोमेन ऑफ एफ प्राइम के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, कहता है एफ प्राइम की डोमेन में है। जी क्योंकि सर ये जो एफ एफ प्राइम के डोमेन में इसलिए नहीं, क्योंकि सर ये क्योंकि ये स्पैंड हो रहा है जिनसे, तो उनमें जीरो तो नहीं होगा ना वेक्टर सर? नहीं नहीं हम ये कह रहे हैं कि जीरो जो है वो डोमेन ऑफ एफ प्राइम में मौजूद है, जीरो डोमेन ऑफ एफ प्राइम में मौजूद है, इसीलिए डोमेन ऑफ एफ प्राइम के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। आपको पता है कि जिस सेट में अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता सर, क्योंकि वो स्पैन जिनसे हो रहा है उसमें तो जीरो नहीं होगा ना, कॉम्प्लीमेंट में जीरो नहीं होगा। स्पैन का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि डोमेन ऑफ एफ प्राइम में जीरो है वो क्यों है? जी कोई और स्टूडेंट बताना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? जी उस्मान जकरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। हम कह रहे हैं कि जीरो बिलोंग करता है डोमेन ऑफ एफ प्राइम को, क्यों जी सर बिलोंग करता है सर? क्योंकि x जो हमारे पास है वो एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस में जीरो, जी सर जीरो तो बिलोंग करेगा, और वो जीरो एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि इस सेट के अंदर मौजूद है जीरो। डोमेन ऑफ एफ प्राइम में क्यों बिलोंग करेगा? x में तो अंडरस्टूड बात है, x वेक्टर स्पेस है, एडिटिव आइडेंटिटी है, डोमेन ऑफ एफ प्राइम में क्यों बिलोंग कर? चले चले ये बताएं एफ प्राइम है क्या, एक्चुअली क्या है सर? एफ प्राइम एक ऐसा वो फंक्शन है जो एक्स के एलिमेंट्स को उठाकर दूसरा जो सेट बनाया उसके अंदर लेके जा रहा है हमें, एक्स के सारे एलिमेंट्स को रियल नंबर पे एक्सटेंशन है, तो इसलिए एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। एक्स के सारे एलिमेंट्स को लेके जा रहा है? जी सर नो सर, एक्स के कंप्लीट एलिमेंट्स को हो गया। ये हमने क्या सपोज किया हुआ है, वी अज्यूम कंट्रेरी दैट, हमने इसका उलट लिया हुआ है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर तो सारों को लेके जा रहा होता तो एफ प्राइम की डोमेन क्या होती? वो तो हमारा प्रूफ हो गया था। नहीं, एफ प्राइम की डोमेन क्या होती? एक्स होती। हमने उसके उलट सपोज कर लिया हुआ है कि सारे का सारा एक्स जो है वो डोमेन नहीं है, इसका मतलब फिर डोमेन उसका सबसेट है, और अगर डोमेन उसका सबसेट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में भी कुछ ना कुछ होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी नहीं होगा। अब सवाल पैदा हुआ किसका भला? जीरो का, क्योंकि एक्स के पास तो जीरो है। अब उस जीरो का डिसीजन लेना है कि डोमेन ऑफ एफ प्राइम में है या एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में। कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा ना, दो ही सेट है, अब एक डोमेन ऑफ एफ प्राइम है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो जीरो कहाँ पे है? जीरो का मैंने बता दिया कि डोमेन ऑफ एफ प्राइम में है, उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ये आपने बताना है कि वहां पे क्यों है। ओके, ये बताएंगे शोएब असगर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्योंकि सर जी एफ प्राइम एक्सटेंशन भी है और ऑपरेटर भी है इसलिए। अभी एक्सटेंशन नहीं प्रूव हुई, अभी सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि एफ जो है एफ प्राइम से लेस देन और इक्वल टू है,
जी ये सर लिखी हुई है, ये देखें, अगर बताना चाहते तो आप यहीं से बता सकते थे। एफ प्राइम की डोमेन कम अज कम उसकी डोमेन से बड़ी होगी, किसकी डोमेन से? एफ की डोमेन में, एफ की डोमेन क्या है? जी है, और जी सबस्पेस है, और जी के अंदर जीरो मौजूद है। जी सर, ये देखें, जी सब स्पेस है, जी के पास अपना जीरो है, तो ये किसकी डोमेन में जीरो है? एक्चुअली एफ की डोमेन में जीरो है, और एफ प्राइम उसकी एक्सटेंशन बनाने चाह रहे हैं, जी तो सर जीरो उसके पास भी है, उसकी डोमेन के पास भी है, क्योंकि जी की हद तक तो दोनों सेम रहते हैं ना, एफ प्राइम और एफ। जी सर, तो ये तो यहाँ से डायग्राम से भी नजर आ रहा था और फार्मूला से भी नजर आ रहा था कि एफ प्राइम की डोमेन में जीरो है। ठीक है, ये आपका जवाब भी किसी हद तक शुएब असगर का ठीक है कि इन्होंने कहा कि ये चूंकि एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन है तो इसने वही डोमेन तो लेनी लेनी है जो उसके वाली थी, एफ वाली, ऐसे ही है ना? जी सर, तो जीरो क्लियरली बिलोंग कर रहा है किसको? डोमेन ऑफ एफ प्राइम को। और वाई वन किसका एलिमेंट लिया हो? इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में नहीं है ना वो? जी सर, डोमेन एक्स माइनस डोमेन ऑफ एफ प्राइम में नहीं है वो, कौन भला? कौन नहीं है एक्स एक्स माइनस डोमेन ऑफ एफ प्राइम? जीरो, जीरो नहीं है। और इसका मतलब ये जो वाई वन लिया हुआ है, हमने कंसीडर किया हुआ है, किसमें से उठाया हुआ है? वाई वन किसमें? वाई वन कहाँ से उठाया हुआ है? कंप्लीमेंट से, जहाँ पे जीरो मौजूद ही नहीं। कंप्लीमेंट एक्स माइनस डी ऑफ एफ प्राइम। वाई वन जीरो हो ही नहीं सकता, हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया है उसके कॉम्प्लीमेंट का, डोमेन के कॉम्प्लीमेंट का, या एक्स माइनस डोमेन कहते जाए इसको, एक्स माइनस डोमेन है एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट, जो डोमेन को बिलोंग करेगा वो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, जो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा वो डोमेन को बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये तो उसूल है। तो हमने अब Y1 को आपने मिक्स नहीं करना कैपिटल Y1 से, कैपिटल Y1 एक सबस्पेस है जो किसके एलिमेंट से जनरेट हो रही है? जी, डोमेन ऑफ F के। कैपिटल Y1 किसका नाम रखा है हमने? कैपिटल Y1 इज अ सबस्पेस स्पैंड बाय D ऑफ F, डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F एंड Y1, यानी के कैपिटल वाई वन का हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा किसका? डोमेन ऑफ एफ के एलिमेंट का और वाई वन, और वाई वन, वाई वन फिक्स्ड है, मैं फिर से बता रहा हूं, वाई वन स्पैंड बाय डीएफ का मतलब क्या है? वाई वन स्पैंड बाय डीएफ, अगर सिर्फ डीएफ होता, वाई वन स्पैंड बाय डीएफ, तो y कैपिटल y1 का हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन होता होता df के एलिमेंट्स का, ऐसे है ना? जी सर, df के कुछ एलिमेंट्स उसको जनरेट कर रहे होते पूरे y को, या पूरे y1 का बना रहे होते, लेकिन अब दो चीजों का वो स्पेंड हो रहा है, दो चीजों से, एक df के एलिमेंट से, df प्राइम के एलिमेंट्स से, क्योंकि डोमेन है, डोमेन सेट होता है, सेट में एलिमेंट्स होते हैं वेक्टर्स, डोमेन f प्राइम के एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और किससे, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहा है? y1, तो कैपिटल y1 के हर एलिमेंट की शक्ल किस तरह की होगी फिर? सर y1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है, और डोमेन
एफ प्राइम के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना जी सर। तो यही उसने लिखा, देयरफॉर सो एवरी, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं एवरी एलिमेंट, उसने नाम एक्स रख दिया, एक्स बिलोंगिंग टू क्या लिखें वाई वन, कैन बी रिटन एज, रिटन एज कैसे लिखा जा सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स कैन बी रिटन एज वाई प्लस ए वाई। अब ये जो वाई लिखा है ये किसका एलिमेंट होना चाहिए जल्दी से बता दें मुझे, डोमेन ऑफ एफ प्राइम। हाँ वेरी गुड, क्योंकि हमने दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ प्राइम। दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, अब हमने ये प्रूव करना, यूनिक वेल डिफाइंड समझते हैं ना, तो वेल डिफाइंड करना, हम कह लेते हैं नहीं जी नहीं एक्स की एक और शक्ल है, एक्स की एक और शक्ल उसने क्या नाम रख दिया उसका, यूनिकनेस ऐसे ही शो करवाते हैं ना, एक्स प्राइम प्लस बीटा वाई वन, लीनियर कॉम्बिनेशन उन्हीं का लिखा है, सॉरी यहाँ पे लेकिन एलिमेंट्स वाई प्राइम, लेकिन स्केलर्स डिफरेंट ले लिए, ठीक है, तो हम ये शो करवाएंगे कि ये सेम ही है, स्केलर भी सेम है और एलिमेंट्स, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, कैसे यूनिक है अभी इसको देखते हैं, दोनों को इक्वल रख लेते हैं, इक्वल करने से क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई हैट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा इंटू वाई वन ऐसे हो जाएगा ना जी सर, और वाई माइनस वाई हैट किसके एलिमेंट्स बन जाएंगे, डोमेन ऑफ एफ प्राइम के, चले इसको लिख के करते हैं, दोनों को इक्वल रख लें, ये एक्स उड़ा दें यहाँ से, ये ऐसा हो रहा है ना, यस सर जी सर, अगर इसको उठा के यहाँ से यहाँ माइनस कर दें, ऐसा ही हो रहा है, y माइनस वाई प्राइम y माइनस वाई प्राइम इक्वल हो रहा है किसके, बीटा माइनस अल्फा अल्फा इनटू वाई हो रहा है ना जी सर, और वाई माइनस वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट या वाई हैट या वाई प्राइम ये किसका एलिमेंट बनेगा जल्दी से बता दो, डोमेन ऑफ एफ प्राइम का सर, डोमेन ऑफ वाई डैश एफ प्राइम, ये एफ प्राइम का जो है ना, एफ प्राइम की डोमेन का मेंबर, जबकि वाई वन ये तो x माइनस डी ऑफ एफ प्राइम का एलिमेंट था सर,
ये तो नहीं है। लेफ्ट हैंड वाली साइड जो है बिलोंग करती है डोमेन एफ प्राइम को, लेकिन राइट हैंड साइड वाली y1 जो था वो तो एलिमेंट, वो तो कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट था y1। जी सर। ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? ये तो उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर बीटा माइनस अल्फा जीरो आ जाए। जी सर। ये इक्वालिटी उसी सूरत में होल्ड, बट यहाँ पे लिख देंगे बट y1 was not an element of domain F prime, तो इक्वल हो ही नहीं सकते। एक तरफ हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट उस सेट का है, तो राइट वाला भी उसी का होना चाहिए, इक्वल जो है। जी सर। राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट भी उसी सेट का होना चाहिए अगर दोनों इक्वल है। अगर हम कहते हैं y माइनस y प्राइम बिलोंग कर रहा है डी एफ प्राइम को, तो y1 भी बिलोंग करना चाहिए डी एफ एफ प्राइम, लेकिन वो तो नहीं कर रहा। जी सर। नहीं कर रहा तो इसका मतलब करवाना तो है, इक्वल जो आ चुके। जी सर। इक्वल आ चुके तो फिर कहता है स्केलर को जीरो कर दे जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, फिर ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। दोनों एलिमेंट्स किसके बन जाएंगे, क्योंकि y माइनस y प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, और जीरो किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ f, डोमेन f प्राइम के, तो वो काबिले कबूल है। अगर बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो राइट हैंड साइड सारी जीरो हो जाएगी, तो y माइनस y प्राइम वो भी इसका एलिमेंट बन जाएगा डोमेन f प्राइम का, राइट साइड भी बन जाएगी, तो यहाँ से बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड जी सर y इज इक्वल टू y प्राइम। तो यूनिक हो गई या नहीं, जो हमने x की दो शक्लें ले ली थी लेकिन वो निकली हैगी, हेंस जी सर यूनिक x इज इक्वल टू y प्लस अल्फा y1 लिख लें चाहे, वो दोनों सेम ही है ना, y प्राइम के इक्वल है y और बीटा के इक्वल है अल्फा, हेंस द रिप्रेजेंटेशन इज हियर। पहली चीज तो हमने ये प्रूव किया। अब दूसरी चीज प्रूव ये करनी है, हम लेके क्या चले हुए हैं, कंट्राडिक्शन आनी चाहिए कहीं ना कहीं, हमने उलट पास किया हुआ है तो हमारे पास कहीं ना कहीं जाके कंट्राडिक्शन आएगी। कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर रहे हैं ना। जी सर। प्रूव तो हमने ये करना था डोमेन इसकी पूरा एक्स है, लेकिन हमने अज्यूम कंट्रेरी किया हुआ है कि इसकी डोमेन पूरे का पूरा एक्स नहीं है, इसके कॉम्प्लीमेंट में कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, उसका नाम हमने क्या रख लिया हुआ है, y1। तो अब हम एक और फंक्शनल डिफाइन करवाने जा रहे हैं y1 पे। A functional g1 on y1 is defined by, y1 आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, y1 क्या है, सब स्पेस है सर जो स्पैन हुई है d of f prime से और y1 से। y1 से कहां जाएगा अगर ये फंक्शनल है, R में, y1 भी सब स्पेस है, x की ही सब स्पेस है, R में लेके जाएगा, लेकिन किस तरह से लेके जाएगा, g1 में लगना है क्योंकि इसने y1 पे लगना है, तो किस तरह से लगना है, y1 के एलिमेंट्स की शक्ल क्या बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, y प्लस ए y1 जी यही बनाई थी ना। जी सर। और इसको कहते हैं लगना ऐसे है, f प्राइम का फार्मूला लगेगा y पे, क्योंकि y डोमेन में है, y तो किसका एलिमेंट था, सर y कॉम्प्लीमेंट का था, Thank you.
जी बेटा हमने एक डिफाइन फार्मूला करवाया जी वन का। जी वन लग रहा है कैपिटल वाई वन के एलिमेंट्स पर, और कहते हैं अगर अल्फा जीरो हो जाए, अल्फा अगर जीरो हो जाए तो जी वन, जी वन के सारे आंसर जी वन ऑफ वाई विल बी इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ वाई। तो जीवन के सारे आंसर्स किसके इक्वल हो रहे हैं, और वाई बिलोंग टू डोमेन ऑफ, वाई किसका एलिमेंट था, डोमेन ऑफ एफ प्राइम। तो जीवन एक एक्सटेंशन है विच शोज दैट जीवन extension F prime. Such that the meaning of F prime is a proper सबसेट। प्रॉपर सबसेट समझते हैं ना, हमने कहा था कि एफ प्राइम जो है वो मैक्सिमल एलिमेंट है। मैक्सिमल एलिमेंट इसका मतलब कोई और एक्सटेंशंस के अंदर से कोई और एक्सटेंशन उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो ये तो उसकी एफ प्राइम की कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि ए पार्ट में हमने ये प्रूव किया था कि ये जो है एफ प्राइम जो है क्या है, एफ प्राइम क्या है, एक मैक्सिमल एलिमेंट है ऑल द एक्सटेंशंस, लेकिन उससे भी बड़ी एक्सटेंशन निकल आई है जिसका नाम है जी वन। ये वजह क्या बनी, वजह वही बनी कि हमने उसको उलट सपोज किया था। उसको उलट सपोज करने की वजह से हमारे पास रिजल्ट भी क्या आया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन to the fact that
मैक्सिमम एफ प्राइम को अपने मैक्सिमल मान के तो इसकी एग्जिस्टेंस शो करवाएगी विच इज कंट्राडिक्शन टू द मैक्सिमैलिटी ऑफ एफ प्राइम. सो और सपोजिशन कंट्राडिक्शन मेथड बताया हुआ है ना, वो अंपायर वाली एग्जांपल दे के मैंने. अब अंपायर साहब क्या कह रहे हैं कि मेरा जो फैसला था वो गलत था. असल फैसला कौन सा है? अटेंडेंस भी मार्क कर लेंगे सब लोग जल्दी से. ठीक है जी. अब बाकी क्या बात रह गया है कि हमने इसको ये शो करवाना है कि ये जो जी वन है ये वाकई जो बी पार्ट में हमने सपोज किया है कि ये इसकी एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन शो करवाना. लेस देन और इक्वल टू शो करवाई दी है. अब बाकी का काम आप खुद कर सकते हैं. इसका सही जो सी पार्ट है वो आप खुद करेंगे. वेरी इजी है. अब सी पार्ट, सी पार्ट में यही साबित करना है कि जी वन जो है उसकी एक्सटेंशन भी है और जी वन इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ एक्स. ये यहाँ पे प्रूव करते हैं जी वन ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ एक्स. तो नेक्स्ट इस थ्योरम को हम फिर से देखेंगे और इसमें से आंसरिंग क्वेश्चनिंग होगी सारी. उसके बाद ही हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. तो आपका जो होमवर्क है वो यही है, इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना. सॉल्व करके आपने मुझे बताना. ये है पेज नंबर है इसका 212 पे जो एक्सरसाइज है ना, 212 से ऊपर जो डेफिनेशंस हैं और 212 पेज पे जो एक्सरसाइज है ये सारी आप करेंगे. ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और साथ ही उनके थ्योरम. आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं भाई, रेजिंग हैंड. इसका सी पार्ट भी साथ ही कर लेंगे खुद से, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. जी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करेंगे स्टूडेंट. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. तो ये जो ए पार्ट में डोमेन ऑफ जी प्राइम है इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी प्राइम के कैसे ये आया डोमेन ऑफ जी प्राइम? जी पार्ट ए में डोमेन ऑफ जी प्राइम इज इक्वल टू यूनियन ऑफ डोमेन जी प्राइम के कैसे इक्वल आया है? डोमेन ऑफ जी प्राइम इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल द डोमेन ऑफ जी. सर पेज पार्ट वन में नंबर 215. जी सर